नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश भर में 1 जुलाई सोमवार से भारतीय दंड संहिता IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता BNS क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय सुरक्षा अधिनियम BSA लागू हो चुका है। नए कानून लागू होने से भारत की न्याय प्रणाली IPC के तहत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति हो चुकी है। प्रदेश के सभी पुलिस थाना क्षेत्रों और जिला मुख्यालय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर नए कानूनों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिले के कार्यक्रम में वहां के पुलिस अधीक्षक जनप्रतिनिधि सहित जिले के बुद्धिजीवी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों, महिलाओं, बुजुर्गों और स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित जन को नए कानूनों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के लिए क्या है प्रावधान। बच्चों से अपराध करवाना व उन्हें आपराधिक कृत्य में शामिल करना दंडनीय अपराध होगा। नाबालिग बच्चों की खरीद फरोख्त जघन्य अपराधों में शामिल की जाएगी। नाबालिग से गैंगरेप किए जाने पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है। नए कानूनों के अनुसार पीड़ित का अभिभावक की उपस्थिति में ही बयान दर्ज किया जा सकेगा। महिला से गैंगरेप में 20 साल की सजा और आजीवन कारावास। यौन संबंध के लिए झूठे वादे करना या पहचान छिपाना भी अब अपराध होगा। साथ ही पीड़िता के घर पर महिला अधिकारी की मौजूदगी में ही बयान दर्ज करने का भी प्रावधान है। अदालतों में पेश और स्वीकार्य साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, SMS, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य, मेल उपकरणों के मैसेज को शामिल किया गया है। केस डायरी, FIR, आरोप पत्र और फैसले सहित सभी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव वैधता और प्रवर्तनीयता कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी न्यायालयों में पेशी हो सकेगी। अब 60 दिन के भीतर आरोप तय होंगे और मुकदमा समाप्त होने के 45 दिन में निर्णय देना होगा। सिविल सेवकों के खिलाफ मामलों में 120 दिन में निर्णय अनिवार्य होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत मामलों की तय सीमा में जांच, सुनवाई और बहस पूरी होने के 30 दिन के भीतर फैसला देने का प्रावधान है। इसी प्रकार छोटे और कम गंभीर मामलों के लिए समरी ट्रायल अनिवार्य होगा। नए कानूनों में पहली बार अपराध पर हिरासत अवधि कम रखी जाने व 1/3 सजा पूरी करने पर जमानत का प्रावधान है। साथ ही किसी भी शिकायतकर्ता को 90 दिन में जाँच रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा और गिरफ्तार व्यक्ति की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। हम जानते हैं कि आज विगत मध्य रात्रि से, आज 1 जुलाई से यह नया कानून प्रवृत्त हो चुका है, लागू हो चुका है और इस कड़ी में आज भोपाल में इसमें अभी तक 10 के आसपास लगभग FIR भी हो चुके हैं। इसकी पूरी तैयारी पुलिस ने लगभग कई महीनों से पुलिस लगातार कर रही थी। इसमें लोगों को जागरूकता फैलाने के साथ साथ अपना जो खासतौर पर पुलिस का जो बल है उसको लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा था, तकनीकी रूप से अपडेट किया जा रहा था। तकनीकी रूप से इसमें जरूरत थी कि जो हमारे CCTNS और बाकी जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं उनको उनका अद्यतन संस्करण लाया जाए। सभी थानों में संभव है, इसलिए काफ़ी इसमें त्वरित गति से कार्रवाई भी हो रही है। जहां तक इस नए परिवर्तन की बात है, नया परिवर्तन बदलती हुई जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, जो तकनीकी चुनौतियाँ हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, उनकी प्रासंगिकता के अनुरूप है और साथ ही साथ निश्चित तौर पे जो पुराने ऐसे कानून जिनकी प्रासंगिकता नहीं थी उन्हें हटाया गया है। ऐसे नए दंड प्रावधान ऑर्गेनाइज क्राइम और खासतौर पे दूसरे जो खासतौर पे राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं उन धाराओं को ज़्यादा सशक्त किया गया है। साथ ही साथ कुछ नए तरीके के इसमें सजा का प्रावधान भी जोड़ा गया है। इन सारे बिंदुओं को रखते हुए नया कानून जो ज़्यादा प्रभावी है और साथ ही साथ अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ त्वरित न्याय दिलाने में, शीघ्र न्याय दिलाने में, प्रभावी न्याय दिलाने में मददगार है। कई FIR हुई हैं, जिसमें पहला हनुमानगंज थाने में हुआ है, तलैया थाने में हुआ है, जहांगीराबाद में हुआ है, कई थानों में अलग अलग क्राइम ब्रांच ने इस तरह का पहला जो ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जो बड़ा क्राइम है क्राइम ब्रांच ने किया है। इन सारे FIR पर पुलिस ने लगातार कार्रवाई की। शायद लोगों में एक जागरूकता थी इसको लेकर के था, तो रात में जितने भी इसमें अलग अलग फरियादी अलग अलग थाना क्षेत्रों में आए सभी में FIR की गई है। इसकी त्वरित गति से खासतौर पर जो कार्रवाई का जो एक इसमें तरीका है, खासतौर पर जो प्रावधान है, उसके कारण यह नया जो कानून है ज़्यादा प्रभावी बन जाता है। उसमें भी आप पुलिस अपनी वैधानिक कार्रवाई करें। हाँ, निश्चित तौर पे कई बार जैसे अब तकनीकी चुनौतियाँ आई हैं, जब बना होगा तो इस तरह की तकनीकी चुनौतियाँ नहीं होंगी। इस तरह से वस्तुनिष्ठ तरीके से कैसे ज़्यादा हम कार्रवाई कर सकें, कैसे वस्तुनिष्ठ तरीके से इसमें हम व्यक्ति को न्याय दिला सकें, इसको ध्यान में रखते हुए इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है,
वस्तुनिष्ठ तरीके से साक्ष्यों को इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है इसमें इस पर काफ़ी जोर दिया गया है। इसमें बहुत सारे अपराधों में न्यूनतम सजा की अवधि तय की गई है, बहुत सारे अपराधों में ट्रायल की अवधि तय की गई है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इसमें कई मुद्दों पर बड़े ही विस्तार से चर्चा की गई है और ख़ासतौर पर ये सारी बातें इसको नए परिवर्तनों के अनुरूप, नए जो तकनीक चुनौतियां हैं उनके अनुरूप इसको ज़्यादा सक्षम बनाती है। इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।